तो ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर विद लेवल 1 आईडी सीरीज का आज होने वाला एपिसोड नंबर 9, जहां पर तक कि पिछले पार्ट तक आपने देखा था कि हमने 70 स्टार अचीव कर लिया था एंड राकेश भाई का 71 स्टार हो चुका था। अब आज की वीडियो में हम यहां से आगे के लिए पुश करेंगे, बट हम जब गेम को ओपन करते तो हम देखते कि हमारा 71 स्टार हो चुका है। अब मैं यहां पर शॉक था कि हमारा 71 हुआ तो हुआ कैसे, बट इसके बाद जब मैंने बैक किया तो मैंने देखा हमारा नोटिफिकेशन आ रखा मैसेज में, तो रिपोर्ट फीडबैक के अंदर हमको गरीना की तरफ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला था जो कि हमने हैकर को रिपोर्ट किया था उस वजह से। तो यहाँ पर अब तो हम खुश हो चुके थे कि इनको एक स्टार एक्स्ट्रा मिल चुका था गरीना की तरफ से। राकेश भाई का भी मैं यहाँ पर प्रोफाइल चेक करता हूँ तो उनका भी यहाँ पर 72 स्टार हो चुका था, यानी कि हम दोनों को एक एक स्टार एक्स्ट्रा मिल चुका था जो कि हमने रिपोर्ट किया था। तो चलो अब चलते हैं राकेश भाई के ग्रुप में एंड गेम को करेंगे स्टार्ट एंड यहाँ से आगे की जर्नी करेंगे स्टार्ट। 71 एंड 72 स्टार हो चुके हैं, तो फटाफट अब मैच को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। क्या बात है। अब आज के फर्स्ट गेम की बात करी जाए तो यहाँ पर 2-1 स्कोर हो चुका था ओपोनेंट का एंड मैं राकेश भाई की तरफ को स्पॉट कर रहा था कि वहाँ पर फाइट चल रही थी एंड उन्होंने राकेश भाई को यहाँ पर डाउन ले लिया था। तो इतने में ही राइट से एक बंदा आता है जिसको मैं डैमेज दे देता हूँ AWM का एंड इसका सोनिया भी एक्टिव कर दिया और फाइनली नॉक। अब जस्ट 2v2 की फाइट है एंड ये बंदा तो वैसे फिनिश हो ही जाएगा, तो अभी यहाँ पर 2 बंदों को ख़त्म करना है ताकि हमारा ये राउंड निकल पाए। एंड उसी टीममेट की साइड में यहाँ पर बंदे हैं एंड उसने एक बंदे को नॉक भी ले लिया है। एक बंदा ये रहा, डैमेज, एक और बार डैमेज एंड वो जस्ट एक ही गोली का है और मेरे टीममेट ने उसको खत्म करके ये राउंड विक्ट्री करवा दिया। अब यहाँ पर स्कोर हो जाता है 3-3 एंड मैं एंड मेरी टीम मतलब कि राकेश भाई हम सबके सब इस घर के ऊपर आते हैं ताकि हम आराम से यहाँ पर बूया निकालने का ट्राई करें। अब यहाँ पर जो हमारे टीममेट थे रैंडम टीममेट वो वेट करने के चक्कर में यहाँ पर नॉक हो जाते हैं एंड यहाँ पर इतने में ही पूरी की पूरी टीम रश कर देती है एंड उन दोनों बंदों को यहाँ पर नॉक कर देती है। तो यहाँ पर मैं एंड राकेश भाई जस्ट बचे हुए हैं अभी, तो यहाँ से राउंड निकालना तो मुश्किल है क्योंकि स्किल ब्लॉक भी उन्होंने मार दिया ऑलरेडी। तो फ्लैश फ्रीज कर देते हैं, एक बंदे को डैमेज पड़ा है 17 का। अभी वो बंदे खिड़की से आएंगे या ऊपर वाली छत से आएंगे पता नहीं, तो देखते हैं ये राउंड निकल पाता है या नहीं। ओके बंदा आया, एक तो डाउन हो चुका है, वॉल मारते हैं। अब यहाँ पर मैं भी नॉक हो गया एंड राकेश भाई भी फिनिश हो जाते हैं एंड इसी साथ हमारा पहला मैच हम हार जाते हैं। जो गरीना ने हमको प्रोटेक्शन पॉइंट दिया था वो हमारे एनिमीज ने हमारे मुंह पे फेंक के मार दिया। थैंक्स। तो हम यहाँ पर 4-3 से हार जाते हैं एंड अगले गेम को स्टार्ट करते हैं। तो एंड अगले गेम के अंदर एक ऐसा क्लच निकलता है जो कि राकेश भाई की तरफ से था। अब यहाँ पर AWM थी मेरे पास, मैं सामने एक बंदे को स्पॉट करता हूँ एंड जैसे ही उसको दिखेंगे तो डैमेज देंगे उसको। ओके सोनिया एक्टिव। अब एक बंदा तो नॉक होके फिनिश हो चुका था, जस्ट अब 3 ही बंदे बचे हुए थे, इतने में हमारा एक टीममेट डाउन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आके यहाँ से नेड एंड फ्लैश फ्रीज करने का ट्राई करता हूँ, बट फ्लैश फ्रीज से कोई डैमेज नहीं आता और ग्रेनेड से भी कोई डैमेज नहीं आया। अब मैं यहाँ पर वेट करने के बाद राकेश भाई को ऊपर आने के लिए यहाँ पर वॉल तोड़ने में मदद करता हूँ। इतने में पता नहीं कहाँ से मेरे को डैमेज पड़ता है, मैं नॉक हो जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि पीछे से भी बंदा आ चुका है और मैं इधर कोई स्पॉट कर रहा था, बट राकेश भाई यहाँ पर मेरे को रिवाइव देने का पूरा ट्राई करते हैं, बट ये बंदा कंटिन्यू फायर करके मेरे को फिर से नॉक कर जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा नेड भी मार देता है अपोनेंट का और हमारा एक और टीममेट की सोनिया एक्टिव कर देता है। तो जस्ट यहाँ पर राकेश भाई के लिए 1v3 होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके जोन भी यहाँ पर राकेश भाई की साइड में नहीं है, बट एक बंदे को उन्होंने डाउन ले लिया है और बंदे यहाँ पर रिवाइव चालू कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बंदे के नॉक होते ही राकेश भाई के पास ओरियन की एबिलिटी आई एंड राकेश भाई ने ओरियन चार्ज करते ही उस बंदे को भी ओरियन से खत्म कर दिया और क्वाड्रा किल ले लिया एंड इसी के साथ हमारा बुया हो जाता है एंड इसी के बाद हमारा यहाँ पर 70 से 71 स्टार फिर से हो जाता है। अब अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास डबल AWM थी और साथ में हमारा स्कोर हो चुका था 3-2। तो यहाँ पर जस्ट हमको एक राउंड विन करना था और इस मैच को भी बुया करने के लिए, तो सामने एक बंदा दिख रहा है। ओके उसको मेरे टीममेट ने डाउन ले लिया है, तो अब जस्ट 3 ही बंदे बचे हुए हैं
और एक और बंदा नॉक हो चुका है और देखते देखते स्क्वाड खत्म। तो इसके साथ हमें एक और भूया मिल जाता है एंड इसके बाद हमारा स्कोर हो आता है यहाँ पर 71 से 72 स्टार। एंड बात करें तो इसके बाद हमारे गेम्स के अंदर काफ़ी सारे मैचेस माइनस प्लस होते जाते हैं एंड उसी में से एक मैच ये था जिसके अंदर कि हमारे यहाँ पर 2-0 स्कोर हो चुका था एंड मेरे पास यहाँ पर बाइजन और राकेश भाई और मैं यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर जोन हमारी साइड में बना था एंड 2v2 की फाइट है। अगर जोन ऊपर ही रहेगा तो हम यहाँ पर हीलिंग बैटल करके भी जीत सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुपर मैडी भी है और साथ में साइने कैरेक्टर भी है। एक बंदा आया डैमेज, उसको 81 का हेड पड़ा है और एक और बंदे को भी थोड़ा बहुत डैमेज है। हालांकि ये बंदा ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। ओके आने का ट्राई कर रहा है वो। यहाँ पर से ग्लू वॉल लगा दी हमने एक ताकि उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो ऊपर आने के लिए। और अपने पास एक सुपर मैडी भी है। ओके बंदा आया, डैमेज है काफ़ी, हेडशॉट। एक बंदा तो नॉक हो चुका है, जस्ट आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है और इसका भी सोनिया एक्टिव और फाइनली खत्म। तो 3-0 स्कोर हम कर देते हैं यहाँ पर एंड अगली राउंड के अंदर यहाँ पर मेरे पास AWM आ चुकी थी एंड सामने बंदा भी है। ओके उस बंदे ने ग्लू वॉल कर दी है, चार्ज बस्टर है बट मैंने इसको फाइनली डाउन ले लिया है। जस्ट 2 बंदे बचे हुए हैं। ओके ये नीचे कूद चुका है, एक और बंदा आया और डाउन, आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ हमारा 4-0 के साथ ये वाला मैच भी भूया निकल जाता है। अब अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर 3-3 स्कोर हो चुका था एंड मेरे पास AWM साथ में MP40 थी एंड इस राउंड को विन हमें कैसे भी करना था। तो सामने यहाँ पर बंदा भी आया बट उसे डैमेज नहीं पड़ा, एक बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज है। और वेट अपने पास नेट भी है तो यहाँ से नेट कर देते हैं और साथ में और तो कुछ नहीं है। वेट इस ड्रॉप के पीछे एक बंदा है, ओरियन बन गया, चलो डाउन, आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ हमारा 4-3 के साथ मैच निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड इसके बाद हमारा स्कोर हो जाता है 71 से 72 स्टार फिर से। तो मतलब कि हमारा स्ट्राइक भी बन जाता है 3 का, हमारे मैचेस काफ़ी लॉस भी होते हैं एंड काफ़ी सारे विंस भी होते हैं। अब उसी में से एक मैच ये था जिसके अंदर कि हमने 3-0 स्कोर कर दिया था एंड सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देकर यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट अब लास्ट के 3 ही बंदे बचे हुए हैं तो इसको फिनिश भी कर लिया हमने। और साइड में ही मोकू की लोकेशन आ रही है, एक ये भी रहा। अब यहाँ पर बंदे को मैं डैमेज दे रहा था, इधर से एक बंदा नेड करने का ट्राई कर रहा था तो वेट इसको यहाँ पर डैमेज देते हैं। सोनिया एक्टिव हो चुका है इसका और यहाँ पर राकेश भाई ओरियन बन के इस किल को ले जा चुके। खैर कोई दिक्कत नहीं, आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है एंड आखिरी वाले को अगर राकेश भाई डैमेज देंगे तो मैं उनका किल चोरी पक्का करूंगा। तो वेट राकेश भाई की साइड को ही बंदा है वो। ओके डैमेज दो राकेश भाई, कोई दिक्कत नहीं और फाइनली खत्म। तो मतलब ये पूरा हो गया, इसके साथ हमें भूया मिल जाता है एंड इसके बाद जो हमारा स्टार हुआ था 72 से 73 स्टार। अब 73 स्टार करने के बाद हमारे लगातार गेम्स रिपीट होने लगे जिसके बाद जस्ट हमको एक भूया निकला एंड उसके अंदर की मैच के हाईलाइट आप देखो। यहाँ पर हो चुका था 2-1 स्कोर एंड सामने यहाँ पर बंदा दिखता जिसको मैं डैमेज देकर डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब 2v2 का मैच था तो यहाँ पर मैंने एक और बंदे को काफी सारा डैमेज दिया तो अंदर चल के इसको भी रश करते हैं। अब इतने में मैं यहाँ देख रहा था और पीछे वाला बंदा यहाँ पर रिवाइव होने लग जाता है। अब यहाँ पर 2 बंदे तो डाउन हो चुके थे बट इतने में पीछे वाला बंदा रिवाइव हो चुका था जिसको मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में डाउन लिया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि ग्लिच के कारण यहाँ पर मेरे जब मैं हाथ में गन को ले रहा हूँ तो गन ही नहीं दिख रही, पता नहीं ये कैसा ग्लिच है रिकॉर्डिंग का। खैर कोई बात नहीं, अभी जस्ट हमको इन दोनों बंदे को खत्म करना है एंड जो नॉक पड़ा डाउन बंदा है वो तो फिनिश हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। एंड दोनों बंदे इसी साइड में ही है। ओके बॉल मार दी हमने, अपने टीममेट को रिवाइव करना पड़ेगा। सामने वाले के पास यहाँ पर AWM है, बाप रे डैमेज। अब यहाँ पर दोनों साइड से कंटिन्यूस फायर आ रहा था एंड मैंने अपनी कैरेक्टर की एबिलिटी भी ऑन कर ली थी एंड सामने जाते ही इस बंदे को मैंने डाउन ले लिया। अब जस्ट एक आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है तो फटाफट मेडिकेट करते हैं, नीचे चलेंगे क्योंकि जोन नीचे वाली साइड में ही है एंड वो बंदा ऑलरेडी जा चुका है और फाइनली खत्म।
तो यहाँ पर ट्रिपल किल के साथ ये मैच निकल जाता है। एंड अगले ही मैच के अंदर यहाँ पर मेरे पास AWM थी साथ में बाइजन। अब सामने बंदा जा रहा था जिसको मैं हेडशॉट के साथ नॉक कर लेता हूँ, इसका सोनिया तो एक्टिव कर लेता हूँ बट थोड़ी देर के अंदर ये भी रिवाइव हो जाता है। अब इसके बाद हम सीधा रश कर देते हैं एंड एक अपोनेंट को ऑलरेडी राकेश भाई ने डाउन करके फिनिश कर दिया था। एंड इतने में हमारा 3 नंबर टीममेट भी डाउन हो चुका है, तो अभी यहाँ पर 3v3 होने वाला है। एंड 4 नंबर के भी टीममेट की हेल्थ काफ़ी डाउन है एंड वो भी नॉक हो चुका है, तो अभी यहाँ पर 2v3 है। तो मैंने यहाँ पर ग्रेनेड तो किया है बट अगर कोई निकलेगा तो उसको डैमेज पड़ जाएगा। हालांकि उस साइड से कोई नहीं निकला, शायद उधर बंदा है या नहीं है पता नहीं। बाकी लेफ्ट साइड से फायर तो आ रहा है तो इधर ही चलते हैं। ओके वो रहा बंदा डैमेज, चलो डाउन। अब इतनी मेरी HP काफ़ी ज़्यादा डाउन थी एंड मैंने 2 बंदे तो नॉक ले लिए। एंड यहाँ पर मेरा लियोन की वजह से मेरे को हेल्थ मिलती रही एंड मैंने इस बंदे को भी फिनिश कर दिया एंड ये वाला राउंड भी विक्ट्री कर दिया। तो 3-2 स्कोर हो जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर लास्ट का राउंड था जिसको हमको विन करना था। अब यहाँ पर मैं सामने वाले बंदे को डैमेज दे रहा था, इतने में ही L-shape के ऊपर से एक बंदा मेरे को स्नाइपर मार के डाउन कर देता है। तो यहाँ पर जस्ट अब 2v2 की फाइट है। अब मेरा रैंडम टीममेट मेरे जस्ट लेफ्ट में था एंड इस बंदे को भी अपोनेंट वाले नॉक निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर राकेश भाई के लिए जस्ट 1v1 होने वाला है, तो देखते हैं वो इस राउंड को निकाल पाते हैं या नहीं। एंड जोन L-shape के ऊपर बनाया हुआ तो उसके बाद वो जोन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर L-shape के ऊपर आके वेट करने लगते हैं जोन श्रिंक होने का। अब यहाँ पर मैंने राकेश भाई को बोला था कि उस बंदे के पास केवल शॉटगन है तो इसलिए आप मार ही दोगे, तो राकेश भाई ने यहाँ पर अपना दिमाग का यूज करते हुए देखो क्या किया एंड इन्हें यहाँ पर फायर किया, सीधा ओरियन बन गया एंड उसकी बंदे की यहाँ पर रिलोड पे आ चुकी थी गन एंड इसी की वजह से हमारा बुया भी निकल जाता है 4-2 के साथ। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो यहाँ पर 3-1 स्कोर हो चुका था एंड अपोनेंट के 2 बंदे डाउन हो चुके हैं एंड राकेश भाई भी नीचे वाली साइड डाउन हो चुके हैं। तो चलते नीचे एंड यहाँ पर बंदा राकेश भाई को फिनिश कर रहा था तो मैंने इसको नॉक ले लिया एंड फटाफट इसको क्लियर करके राकेश भाई को भी रिवाइव कर देते फटाफट। और अभी जस्ट एक आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है जिसको कि हमें कमबैक करके इस मैच को विन करना है। तो आखिरी वाला बंदा ऊपर वाली साइड है, स्नाइपर चला रहा है। खुदा सोनिया एक्टिव और इस बंदे ने मेरे को एक शॉट कनेक्ट भी कर दिया था बट हमने इस राउंड को विक्ट्री कर लिया। अब यहाँ पर स्कोर हो जाता 3-3, लास्ट का ही जस्ट बंदा बचा हुआ था तो जस्ट हमको उसको खत्म करके इस मैच को बुया निकालना था एंड वो बंदा मेरे सामने वाली साइड है। आगे चल के इस पे रश करते हैं एंड जस्ट 20 के डैमेज में मेरे को एक किल भी मिल जाता है। इसी के साथ हमारा 4-3 के साथ बुया निकल जाता है एंड फाइनली बहुत सारे गेम खेलने के बाद हमारे 72 से फिर से 73 स्टार लग जाता है। तो फाइनली गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं एंड आप फाइनली देख सकते हो कि हमारे कितने सारे मैचेस विन भी निकले एंड कितने सारे मैचेस रिपीट भी हो रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।